So hi everyone, welcome back to your favorite biology channel Ozone Classes. My name is Dr. Vipin Kumar Sharma और आज हम लोग बात करने वाले हैं chordates के बारे में. So in the last lecture we have already talked about the non-chordates और आज हम chordates के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिसके बाद हमारा animal kingdom नाम का ये chapter खत्म हो जाएगा. इसके बाद हम लोग एक 12th का chapter cater करेंगे and after that we will start the second unit of 11th class and second unit of 12th class, that is genetics and evolution as well as structural organization in plants and animals. तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं कि chordates और non-chordates में फर्क क्या था. यानी अभी तक आपने जितनी भी phylums पढ़ी, Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminth, Aeschylminth, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, ये सारी non-chordates हैं. और इकलौती phylum जो कॉर्डेट कही जा रही है ये अलग है. तो इसमें ऐसा क्या है जो बाकी एनिमल्स में नहीं था, इस बात को पहले समझ लेते हैं. नाम है कॉर्डेट तो यहां पर एक पहला जो स्पेसिफाइड फीचर आएगा वो हो जाएगा द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो कॉर्डेट कहलाएंगे बाय डिफॉल्ट, और जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है वो आपके नॉन कॉर्डेट कहलाएंगे. ये बात तो इनके नाम से ही साफ है क्योंकि कॉर्डेट में कॉर्ड वर्ड आ रहा है विच इज रिलेटेड टू नोटोकॉर्ड. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी जो नर्व कॉर्ड है वो आपकी डॉर्सल है कॉर्डेट्स में, यानी पीठ की साइड प्रेजेंट है. हॉलो है क्योंकि आपके स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है. एंड सिंगल है यानी एक है. तो आप यहां पर क्या बोल सकते हैं, आप यहां पर बोल सकते हैं सीएनएस जो है ये आपका डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है और आपकी सिंगल है. अब इसका उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा कर दो. डॉर्सल का उल्टा वेंट्रल, हॉलो यानी खोखले का उल्टा सॉलिड, सिंगल का उल्टा डबल. तो ऐसा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर. बिल्कुल उल्टा फीचर ये हो गया. थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर, फेरिंग्स जो है इट इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, यानी परफोरेटेड गिल स्लिट्स पाई जाएंगी आपके फेरिंग्स में. यहां पर गिल स्लिट्स जो है नॉन कॉर्डेट्स में आपकी यूजुअली एब्सेंट होती है. कुछ हायर नॉन कॉर्डेट है तो उनमें इनके थोड़े बहुत ट्रेसेस देखने को मिल सकते हैं. हार्ट इज वेंट्रल, हमारे अंदर हार्ट कैसा है, वेंट्रल है. हम हार्ट बीट जब अपनी चेक करते हैं या दिल पे हाथ रखते हैं तो यहां हाथ रखते हैं, राइट. हम आगे हाथ रखते हैं, ऐसे हाथ नहीं रखते कि भाई मेरा दिल धड़क रहा है ना, आगे हाथ रखते हैं मतलब वेंट्रल साइड. और यहां पर अगर आप देखोगे तो जस्ट उल्टा कर दो, अगर हार्ट प्रेजेंट है तो डॉर्सल साइड. फिफ्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज पोस्ट एनल टेल, यानी एनस जो है उसके पीछे तक एक टेल एक्सटेंड हो रही होगी चाहे लाइफ के किसी भी पार्ट में हो. अब आप सोचेंगे कि सर हम भी कॉर्डेट हैं लेकिन हमारे अंदर तो टेल नहीं है. मेरे दोस्त, लाइफ के एक पार्ट के अंदर चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज ही क्यों ना हो, अगर उसमें ये सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं तो आप कॉर्डेट के अंदर आते हो, ठीक है. और पोस्ट एनल टेल आपकी एब्सेंट होगी इन नॉन कॉर्डेट. यानी कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में पांच इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का फर्क है. पहला जो इनके नाम से स्पेसिफाई होता है नोटोकॉर्ड, कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट. सेकंड नर्व कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे अंदर कैसा है, डॉर्सल हॉलो सिंगल, उल्टा कर दो वेंट्रल सॉलिड डबल नॉन कॉर्डेट. थर्ड हार्ट हमारा वेंट्रल है, नॉन कॉर्डेट में डॉर्सल. चौथा पोस्ट एनल टेल हम में प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट. और पांचवा आपकी परफोरेटेड गिल स्लिट्स पाई जाएंगी फेरिंग्स में, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट है. ये पांच कैरेक्टर आपको हमेशा याद रखने हैं जो कॉर्डेट के अंदर पाए जाते हैं, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नहीं पाए जाते. इन कैरेक्टर्स को यहां पर हम मार्क भी कर सकते हैं. जैसे आप देखेंगे ये जो आपका स्ट्रक्चर है दैट इज नर्व कॉर्ड एंड यहां पर आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, राइट. यहां पर आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ये आपकी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, ये गिल स्लिट्स है जो कि परफोरेटेड है. यहां पर देखो गिल स्लिट्स है, इनके अंदर आपके छेद पाए जाते हैं, ऑलराइट. और यहां पर दिस इज द एनल रीजन है ना, ये एनस रीजन है जहां से आपके वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंका जा सकता है. इस एनस के पीछे ये जो पार्ट है इसको क्या कहा जाएगा, पोस्ट एनस रीजन, पोस्ट एनल रीजन, जिसमें आपकी क्या पाई जाती है, पोस्ट एनल टेल पाई जाती है. ये आपके चार इंपॉर्टेंट फीचर्स है ना. वेंट्रल हार्ट यहां पर दिखा नहीं रखा, तो पहला आपका जो कैरेक्टर है दैट इज नोटोकॉर्ड या नर्व कॉर्ड है ना, दोनों में से किसी को भी नंबर वन नंबर टू मार्क कर दो. देन आपके फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड आपका पोस्ट एनल टेल. और पांचवा अगर आप यहां पर कहीं स्टार मार्क करना चाहो देन इट इज वेंट्रल हार्ट, देन इट इज वेंट्रल हार्ट, ठीक है. चल
अब देखते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा को कहां कहां किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो तीन सब फाइलम बनाए गए इनिशियली, है ना। तीन सब फाइलम कौन से हैं? यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा। अब इसे ट्यूनिकेटा क्यों कहा गया? इसे ट्यूनिकेटा इसीलिए कहा गया क्योंकि इनकी बॉडी पे एक कवर लगा रहता है। जैसे आर्थ्रोपोड्स की बॉडी पर हमने देखा था किसका कवर लगा हुआ था, काइटिनस एक्सोस्केलेटल था, वहां पे काइटिन का कवर लगा हुआ था। ऐसे यहां पर एक शुगर होती है जिसका नाम है ट्यूनिसिन, तो यहां पर इस ट्यूनिसिन का कवर लगा रहता है यूरोकॉर्डेट्स की बॉडी के ऊपर, तो इन्हें ट्यूनिकेटा कहा जाता है। तो यूरोकॉर्डेटा हो गया, जहां पर नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, सिर्फ लार्वा की टेल में पाई जाएगी नोटोकॉर्ड। पूरी कंप्लीट बॉडी में हेड टू टेल नोटोकॉर्ड नहीं है, सिर्फ लार्वा की टेल में। लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा जो सेकंड कैटेगरी है, सिफेलो का मतलब होता है हेड, तो हेड टू टेल आप ऐसे याद कर सकते हो, सिफेलो का मतलब ही होता है हेड। तो हेड टू टेल रीजन में जो है आपकी नोटोकॉर्ड एक्सटेंड करती है कंप्लीट, ये सिर्फ आपकी लार्वल टेल रीजन में नहीं है, हेड टू टेल पाई जाएगी और थ्रू आउट लाइफ आपकी परसिस्ट करेगी, यानी ये आपका पूरी जिंदगी पाई जाएगी। यहां पर तो क्योंकि सिर्फ लार्वल टेल में है, यानी सिर्फ लार्वल पार्ट में आपका क्या है, नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में पूरी जिंदगी पाई जाएगी और हेड टू टेल पाई जाएगी। एग्जाम्पल्स क्या है यहां पर? यूरोकॉर्डेटा जो है, यहां पर देखिए इसका एग्जाम्पल है सैड, है ना, ए फॉर एसिडिया, एस फॉर साल्पा, डी फॉर डोलियोलम। एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, लैब जो कि आपका एग्जाम्पल है सिफेलोकॉर्डेटा के, तीनों एक ही चीज के नाम है। जैसे लैंसलेट, इस लैंसलेट को प्यार से क्या कहा जाता है, एम्फियोक्सस, और इसी को प्यार से क्या कहा जाता है, ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा। तो आप अगर याद करोगे एग्जाम्पल तो क्या याद करोगे, सैड लैब, है ना, सैड लैब, लैब्राडॉग है एक, सैड बैठा हुआ है, खाना वाना थोड़ी लेट मिला होगा, है ना। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखो तो आते हैं आपके वर्टिब्रेटा, ओके, वर्टिब्रेटा। तो ये जो पहली दो कैटेगरीज हैं, दैट इज यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, इनको मिला करके हम क्या बोलते हैं, इनको मिला करके हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेटा। और इस प्रोटोकॉर्डेटा की एक खास बात है, दैट दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, एक्सक्लूसिवली मैराइन मतलब जैसे आपके टीनोफोर्स थे वैसे ही ये भी सिर्फ खाने खारे पानी में पाए जाते हैं, फ्रेश पानी में नहीं पाए जाते। ये जो प्रोटोकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलते। वर्टिब्रेटा मतलब यहां पर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा थर्ड कैटेगरी के अंदर, तो इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, जो कि जब ये बड़े होते हैं, नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड में पाई जाती है, वो आगे चल के क्या बन जाएगी, या तो कार्टिलेजनस, अगर एंडोस्केलेटन कार्टिलेजनस है ऑर्गेनिज्म का, तो अगर बोनी एंडोस्केलेटन है तो बोनी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी इन अडल्ट। यानी अडल्ट्स में ये जो आपका नोटोकॉर्ड था ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो अगर मैं बोलूं कि आउट ऑफ दीज थ्री कैटेगरीज वर्टिब्रेट कितने हैं, सिर्फ एक कैटेगरी, यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेट्स, लेकिन ये कॉर्डेट तो है ही क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा में प्रेजेंट है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। भाई सीधी सी बात है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स क्योंकि ये जो वर्टिब्रेटा कैटेगरी है ये कॉर्डेटा के अंदर आ रही है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, ऑल कॉर्डेट्स आर Not vertebrates, क्योंकि कुछ invertebrates भी तो हैं, जैसे आपके जो protocordata हैं, ये invertebrate chordate हो गए ना, इनमें तो vertebral column नहीं है, so they are invertebrate chordates। तो हर vertebrate chordata है, लेकिन हर chordate vertebrata नहीं है। तो chordata को तीन subphylums में तोड़ा, कौन सी, यूरोकॉर्डेटा जिसमें आपके सिर्फ लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, सिफेलोकॉर्डेटा जिसमें हेड टू टेल एक्सटेंड कर रही है और उसके बाद आपका लाइफ टाइम पाई जा रही है, और वर्टिब्रेटा जहां पर अर्ली स्टेज में पाई जाती है नोटोकॉर्ड, जो कि आगे चल के अडल्ट ऑर्गेनिज्म में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, विच कुड बी कार्टिलेजिनस और विच कुड बी बोनी एट द टाइम्स। ये जो आपका है मेरे भाई, ये आपका एसिडिया का डायग्राम।
ओके, एसिड या साल्पा डोलियोलम जो हमने देखा था, यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल ये यहां पर देखने को मिल रहा है, यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है। तो इसकी बॉडी के बाहर जो कवरिंग होगी किसकी होगी, ट्यूनिसिन की होगी। अब ये जो वर्टिब्रेटा है इसके हमने एग्जाम्पल नहीं देखे क्योंकि इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो वर्टिब्रेटा है, ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा थी, इसको आप और दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। एग्नेथा, एग्नेथा ए का मतलब एब्सेंट और ग्नेथा का मतलब है जॉ, यानी जबड़ा एब्सेंट है, जॉ एब्सेंट। तो इन्हें जॉलेस वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, लैक जॉज। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ग्नेथोस्टोमेटा। अभी मैंने क्या बताया, ग्नेथा का मतलब क्या है, जॉ। तो ग्नेथा मतलब जॉ, स्टोमेटा मतलब ओपनिंग यानी माउथ में जॉ प्रेजेंट है, यानी जॉज आर प्रेजेंट। यानी सबसे पहले जबड़ा है कि नहीं, इस बेसिस पे वर्टिब्रेट्स को दो कैटेगरी में तोड़ दिया। पहला एग्नेथा यानी जॉ नहीं है, दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा यानी जॉ है। तो एग्नेथा में सिर्फ एक क्लास आपकी पाई जाती है, दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब सर्कुलर, साइक्लो मतलब सर्कुलर यानी गोल गोल, और स्टोमेटा मतलब ओपनिंग, और स्टोमेटा यानी ओपनिंग, यानी गोल गोल ओपनिंग है। इसे हम क्या कहते हैं, गोल गोल आपका माउथ है, सकिंग टाइप माउथ है, जिसे हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो इन ऑर्गेनिज्म में गोल माउथ रहेगा जो कि कहीं चिपक के और न्यूट्रिएंट डेराइव कर सके। और यहां पर जो ग्नेथोस्टोमेटा है, इसको हम अलग अलग क्लासेस में तोड़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपके पाइसिस हैं, पाइसिस यानी फिशेस। बहुत आराम से अगर हम बात करें, दैट इज फिशेस। तो फिशेस में फिन्स होते हैं, यानी तैरने के लिए फिन्स होंगे। अब दो तरीके की फिशेस हो सकती हैं। तो पहली क्लास इसमें है कॉन्ड्रिक्थीस। कॉन्ड्रो मतलब क्या होता है, कार्टिलेज। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहते हैं। और ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, इसलिए आपके बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। सो दे आर ऑस्टिक्थीस, यानी ये कैसी आपकी बोनी फिशेस है, यानी ये आपकी बोन का एंडोस्केलेटन कंटेन कर रही। तो फिशेस दो प्रकार की हो गई, कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस। और यहां पे आ गई दूसरी सुपर क्लास, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पोड यानी लिम्स, यानी हाथ पैर। तो चार लिम्स होंगे सब में, जैसे आपके एम्फीबियन, आपके रेप्टाइल्स, आपके एव्स यानी बर्ड्स, और आपके मैमल्स यानी हम लोग। तो इन क्लासेस के बारे में अब हमें डिटेल में पढ़ना है। पहली क्लास कौन सी है जो हम पढ़ेंगे, एक सिक्वेंस में अगर हम चले तो पहली क्लास है आपकी साइक्लोस्टोमेटा, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्ड्रिक्थीस, फिर हम पढ़ेंगे ऑस्टिक्थीस, फिर हम पढ़ेंगे एम्फीबिया, फिर हम पढ़ेंगे रेप्टिलिया, फिर हम पढ़ेंगे एव्स, फिर हम पढ़ेंगे मैमिलिया। ये सात क्लासेस अब हमें अगली स्लाइड्स के अंदर पढ़नी है, ये हमारा टोटल काम, राइट। तो अभी हमने देखा कि आपका जो कॉर्डेट है, इट कुड बी डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइलम्स, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा आपके प्रोटोकॉर्डेट्स कहलाते हैं, व्हिच आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, और वर्टिब्रेटा को आप अलग-अलग कैटेगरीज में तोड़ सकते हो। अगर इनमें जॉज नहीं है तो दे आर कॉल्ड एग्नेथा, जिसमें साइक्लोस्टोमेटा नाम के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, साइक्लोस्टोमेटा नाम की क्लास आती है। एंड देयर कुड बी ग्नेथोस्टोमेटा, यानी इनमें जॉज प्रेजेंट है, व्हिच यू नो हैव अ सुपर क्लास कॉल्ड टेट्रापोडा। और टेट्रापोडा में फिर अलग अलग चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपका एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, और आपकी फिशेज यानी पाइसिस, जिसमें आपकी मछलियां आ जाती हैं, कार्टिलेजिनस और बोनी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। साइक्लोस्टोमेटा, जैसा मैंने नाम में ही बताया था, साइक्लो का मतलब क्या है, सर्कुलर, स्टोमेटा का मतलब है माउथ। सर्कुलर माउथ यहां पर पाया जाएगा, ठीक है। सो दे ऑल आर एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म या फिश के ऊपर ये चिपक जाते हैं। तो ये कुछ फिशेज के ऊपर चिपक जाते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट डिराइव करते हैं, क्योंकि पैरासाइट है तो ये खुद का खाना ना बना करके दूसरे ऑर्गेनिज्म का खाना ठूस ठूस के खाते हैं। तो सारे के सारे जिनका सर्कुलर माउथ है, सर्कुलर माउथ क्यों था, कि ये कहीं पर चिपक जाए और आपका वहां से खाना चूसते रहें, न्यूट्रिशन डिराइव करते रहें। सो दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेज। इनकी बॉडी लंबी होती है, इलोंगेटेड बॉडी होती है, मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, और 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स यहां पर पाए जाते हैं। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। अब मैंने आपको बताया कि सर्कुलर माउथ होगा तभी तो ये साइक्लोस्टोमेटा में प्रेजेंट है, एग्नेथा में प्रेजेंट है, तो जॉज भी नहीं होंगी, ये भी हमें पता है। और सकिंग टाइप सर्कुलर माउथ होगा, सकिंग यानी चूसने वाला माउथ होगा, तभी तो ये एक्टोपैरासाइट है, तभी तो ये सामने वाले का खून चूस पाएंगे,
साइक्लोस्टोमेटा फिश नहीं है, क्योंकि फिशेज आपकी कौन सी है, कार्टिलेजिनस और बोनी। साइक्लोस्टोमेटा तो आपका एग्नेथा में पाया जा रहा है, यानी इट इज नॉट फिश, इट मे लुक लाइक फिश। जैसे आप यहां पर देखेंगे ये पेट्रोमाइजॉन फिश जैसा दिखता है, कि अगर आपको नॉर्मली दिखाया जाए तो आप बोलोगे सर ये तो फिश जैसा दिख रहा है, इट्स अ फिश, बट इट्स नॉट अ फिश इन एक्चुअल। फिश तो यहां पे स्टार्ट होगी ना क्वांट्रिक्थीज में, ऑस्टिक्थीज में, ये है फिशेस, राइट? तो दिखने में मछली जैसा है पर मछली है नहीं। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिश, और आपको हो सकता है डायग्राम दिखा दिया जाए और आपसे बोला जाए कि बताओ ये फिश है कि नहीं। तो पेट्रोमाइजॉन इज नॉट अ फिश, इट्स अ साइक्लोस्टोम, ये पानी में मिलता है, आपकी इलॉन्गेटेड बॉडी है, दिखता मछली जैसा है बट मछली है नहीं, क्योंकि इसमें आपके स्केल्स और पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं। मछली की खास बात क्या है कि उसमें फिन्स होंगे, यहां पर आपके पेयर्ड फिन्स एब्सेंट हैं, जो कि मछली में आप यूजुअली बनाते, ठीक है। अगर आपका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम यहां पर देखने को मिलता है, देन इट इज कार्टिलेजनस, है ना। यूजुअली इनमें कार्टिलेजनस और बोनी जैसी बायफर्केशन होती नहीं है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इफ इट इज प्रेजेंट इट इज कार्टिलेजनस, इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ कार्टिलेज। सर्कुलेशन आपकी क्लोज होती है सारे कॉर्डेट्स में, तो ये बात हमें पहले से पता थी, इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये आपके यूजुअली खारे पानी में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, बट ये फ्रेश वाटर में जाते हैं स्पॉनिंग पर्पस के लिए, यानी बच्चे पैदा करने के लिए। जैसे ये स्पॉन करते हैं कुछ दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है, तो इनकी तो डेथ हो गई फ्रेश वाटर में जाके, लेकिन इनके बच्चे जो है फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में यानी ओशन में वापस आ जाते हैं आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, जिंदगी जीने के लिए। फिर जिंदगी जीकर ये भी बच्चे पैदा करने जाते हैं फ्रेश वाटर में, इनकी भी डेथ हो जाती है वहां पर बच्चे पैदा करने के बाद, और इनके बच्चे फिर वापस भाग करके मैराइन वाटर में आ जाते हैं, ये साइकिल चलती रहती है। मेन पॉइंट जो आपको यहां पर याद करने हैं वो मैं आपको टिक लगा करके बता देता हूं। मेन पॉइंट ये है कि सारे के सारे एक्टोपैरासाइट होते हैं, यानी और ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स यहां पर देखने को मिलते हैं, फिन्स इनमें एब्सेंट होती है, दे आर नॉट फिशेस, जो कि आगे चल के आपको और अच्छे से पता लग जाएगा। और अगर पता लगाया जाए कि ये कार्टिलेजनस है या बोनी, तो ये कार्टिलेजनस होंगे। एग्जांपल देखो मेरे दोस्त, एग्जांपल है यहां पे आपका पेट्रोमाइजॉन जिसे लैम्प्री कहा जाता है, जो कि नीचे बनाई हुई है, और आपका मेगजीन जिसे हैगफिश कहा जाता है, साइक्लोस्टोम्स के एग्जांपल। अब बात करते हैं हम फिशेज की। अब फिशेज को दो कैटेगरी में तोड़ा, कॉन्ड्रिक्थीज जिनमें कार्टिलेज पाई जाएंगी, है ना, तो कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन होगा, बात यही खत्म कर देते हैं। सबसे पहले कॉन्ड्रिक्थीज का मतलब ही है ऐसी फिशेज जिनका कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन है, अंदर से वो कार्टिलेज की बनी हुई है। मैराइन एनिमल्स है, यूजुअली खारे पानी में पाई जाती हैं, स्ट्रीमलाइंड इनकी बॉडी है, जैसे आप मछली बनाते हो या ड्रॉइंग वगैरह में, स्ट्रीमलाइंड इनकी बॉडी है बढ़िया तरीके से, मछलियों की यूजुअली बॉडी स्ट्रीमलाइंड ही होती है, बोनी फिशेज में भी आपको ये लाइन देखने को मिलेगी, तो स्ट्रीमलाइंड इनकी बॉडी होती है ना। अब देखो यहां पे जो अच्छी बात है वो मैं आपको बताता हूं, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, यानी माउथ जो है आपका ऐसे प्रेजेंट रहेगा, वेंट्रल डायरेक्शन, ऊपर नहीं प्रेजेंट रहेगा माउथ, टर्मिनल नहीं होगा, यानी यहां पे नहीं प्रेजेंट रहेगा एकदम टर्मिनस पे, वेंट्रली यानी नीचे की साइड जो है आपका माउथ प्रेजेंट, ठीक है, माउथ वेंट्रली प्रेजेंट है। और यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि स्किन बहुत टफ होती है, और यह स्किन बनी रहती है प्लैकोइड स्केल की, है ना, मतलब स्किन के ऊपर प्लैकोइड स्केल्स लगे रहते हैं, जो कि आप ऐसे ऐसे मछली में बनाते हो कुछ कुछ, है ना, इस हिसाब के प्लैकोइड स्केल्स की टफ कवरिंग इनके ऊपर होती है। और ये प्लैकोइड स्केल इतने टफ होते हैं कि ये मॉडिफाई होकर के टीथ भी बनाते हैं इस मछली के, यानी प्लैकोइड स्केल इतने खतरनाक है कि ये दांत तक बनाते हैं, प्लैकोइड स्केल मेक्स टीथ ऑफ द फिश। और ये जो टीथ है ये बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, यानी पीछे की साइड डायरेक्टेड होते हैं, यहां पे आपने मुंह बनाया, यहां पे आप दांत बनाओगे, इस हिसाब से पीछे की साइड डायरेक्टेड होंगे, कैसे, जैसे कि ये किसी ऑर्गेनिज्म को जब पकड़ ले तो उसे फाड़ दे, दांत पीछे की साइड हो, खतरनाक दांत दिखाई दे, है ना, आगे की साइड है तो ऑर्गेनिज्म को पकड़ ही नहीं पाओगे, वो छूट जाएगा, पीछे की साइड हो तो जैसे ही आपने दांत अटकाए आप उसकी स्किन को टियर कर सकोगे। तो फाड़ने के लिए, काटने के लिए ये जो दांत है ये बैकवर्डली डायरेक्टेड होने जरूरी है। तो यहां पर आप देखोगे कि जॉज बहुत पावरफुल है, जबड़े पहली बार आए थे यहां पर, तो जबड़ा बहुत पावरफुल है और इसीलिए प्रेडेशियस। ये सारी चीजें किस लिए, इतना पावरफुल कोट, इतने खतरनाक दांत, इतने स्ट्रॉन्ग जबड़े, शिकार करने के लिए ही, तो सो दे आर प्रेडेशियस, क्योंकि इनको अपना खाना खुद चाहिए, ये किसी और पर डिपेंड नहीं कर सकते, जस्ट लाइक साइक्लोस्टोम्स की किसी के ऊपर चढ़े और उसे चूस के खा लिया, दैट इज नॉट पॉसिबल, सो दैट्स व्हाई दे ऑलवेज कैरी सच वेपन्स so that they can get their own food,
तो दे आर प्रेडेशियस इन नेचर, शिकारी हैं, शिकार करने के लिए हथियार चाहिए, बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग जबड़े हैं और प्लेकॉइड स्केल्स का कवर है, ठीक है। नोटोकॉर्ड इनके अंदर परसिस्टेंट है, नोटोकॉर्ड लंबे टाइम तक टिकती है। गिल स्लिट सेपरेट है विदाउट ओपरकुलम, यानी गिल कवर नहीं है, है ना, गिल कवर एब्सेंट, गिल कवर एब्सेंट, ठीक है। इसके अलावा एक और बात कि एक तो गिल कवर एब्सेंट है, दूसरा एयर ब्लैडर एब्सेंट है। एयर ब्लैडर क्या प्रोवाइड करता है, बायंसी प्रोवाइड करता है। समझ लीजिए आपके पास गुब्बारा लगा हुआ आपकी बॉडी पे कोई, या बहुत नॉर्मल सी बात है, कभी अगर आप स्विमिंग करने गए हो तो यू वियर अ यू नो जैकेट विच इज फिल्ड विद एयर, वो आपको डूबने नहीं देती। या तो आप जैकेट पहन लो, एक अलग से आती है, आप कमर में वो रिंग आती है वो डाल लो, है ना, गुब्बारे जैसी, या एक फोम आता है वो पकड़ के आप उसके ऊपर तैर सकते हो। यानी अल्टीमेटली अगर कोई ऐसी चीज है जो पानी के ऊपर तैरती है तो वो आपको भी तैरा देगी। ऐसे ही यहाँ पे एयर ब्लैडर होता है, अब उसमें हवा भरी हुई है तो वो मछली को तैरा देगा, यहाँ पे एयर ब्लैडर है नहीं, सो दे नीड टू स्विम कॉन्स्टेंटली, दे नीड टू स्विम कॉन्स्टेंटली, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज दे विल ड्रॉन, है ना, ये क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, सीधी सी बात है। तो एयर ब्लैडर नहीं है तो डूब जाएंगे, इसलिए कंटिन्यूअसली हाथ पर मारने पड़ते हैं। बोनी फिशेस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, वो स्वयं भी रहेंगे मस्त एकदम, तो भी गाड़ी चलती रहेगी। दो चैंबर का हार्ट होता है सारी फिशेस के अंदर, एक ऑरिकल यानी एक एट्रिया जिसे बोलते हैं और एक वेंट्रिकल, है ना। कुछ ऐसे फिशेज हैं कॉन्ट्रैक्टिल जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं, जैसे टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है तो क्या दे सकती है, शॉक दे सकती है फॉर यू नो इट्स प्रोटेक्शन पर्पस। और कईयों में पॉइजन स्ट्रिंग होती है जिसे क्या बोलते हैं, ट्राइगॉन, ये जहर वाला डंक मार देते हैं, है ना, इनके पास क्या होती है, इसीलिए इसे स्टिंग रे भी बोलते हैं, ये आपका डंक मार देती है और सामने वाले को जख्मी कर देती है। तो शिकार के लिए या प्रोटेक्शन के लिए इस प्रकार का मैकेनिज्म यूज करती है। जिन भी ऑर्गेनिज्म में दो या तीन चैम्बर्ड हार्ट है वो बाय डिफॉल्ट कोल्ड ब्लडेड होंगे, जिन्हें क्या कहा जाता है, पॉइकिलोथर्मिक, पॉइकिलोथर्मिक। यूजुअली बर्ड्स को छोड़ के और मैमल्स को छोड़ के, यानी हमको छोड़ के और बर्ड्स को छोड़ के, सारे पॉइकिलोथर्मिक होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। यानी अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट नहीं कर सकते। सेक्सेस सेपरेट है, जैसे मछला मछली, देखो मछली जन की रानी है, मछला तो नहीं है, है ना, तो मेल फीमेल अलग होते हैं, जैसे ये लिखा आ गया ना, इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लेस्पर्स, पेल्विक फिन मतलब इनके पेल्विक रीजन में जो फिन्स होंगी वो क्लेस्पर बियर करेंगी, जिससे कि वो फीमेल को होल्ड कर पाए फॉर द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और मैनी आर वीवी पेरस, ये डायरेक्टली बच्चों को भी जन्म दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टिल्स की यहां पर बात। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है दोस्त यहां पर आपका स्कोलियोडॉन, जिसे डॉगफिश कहा जाता है, जिसका फर्स्ट डायग्राम बना हुआ है ए, इसके बाद है प्रिस्टिस जिसे सॉफिश कहा जाता है, कैरकेरोडॉन दैट इज ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क जो है इट्स अ कार्टिलेजिनस फिश, एंड ट्राइगॉन जो कि आपका स्टिंग रे था, और इसके अलावा आपका टॉर्पेडो था जिसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन थे, सारे के सारे क्या है, कॉन्ट्रैक्टिल्स में आते हैं। अब बात करते हैं ऑस्टिक्थीज की, यानी बोनी फिशेस की। बोनी फिशेस देखो, जैसे ऑस्टिक्थीज से इसका कंपैरिजन करेंगे, है ना, ऑस्टिक्थीज में क्या था, मैराइन ऑर्गेनिज्म ज्यादा थे, फर्स्ट पॉइंट देखो, मैराइन ज्यादा थे। यहां पे आपको दोनों मिलेंगे, मैराइन भी मिलेंगे, फ्रेश भी मिलेंगे, तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्टिल्स में कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन, ऑस्टिक्थीज में बोनी एंडोस्केलेटन, इसी बेसिस पे इनका नाम रखा गया है। मछली है तो स्ट्रीमलाइन बॉडी, बात खत्म। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, यानी अगर यहां पे आप एक मछली बनाते हो तो वहां पर क्या था मेरे दोस्त, कॉन्ट्रैक्टिल्स में आपका माउथ वेंट्रल था, यहां पे टर्मिनल। तीसरा डिफरेंस, फोर पेयर ऑफ गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुलम, यानी ओपरकुलम यहां पर प्रेजेंट है, चार पेयर ऑफ गिल्स जो है इन पे गिल कवर प्रेजेंट होगा, ठीक है, वहां गिल कवर एब्सेंट था। चौथा डिफरेंस, पांचवा, स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स, यानी जो आपको मछली आप जनरल डायग्राम बनाते हो ना इस हिसाब की शेप, वहां पे शेप थोड़ी दूसरी होगी, जो साइक्लॉइड साइकिल टाइप के जो साइक्लिक जो स्केल्स है वो यहां पर देखने को मिलेंगे। वहां पर कौन से स्केल थे, कार्टिलेजनस में प्लेकॉइड स्केल्स, जो दांत भी बना रहे थे, बहुत टफ थे, यहां साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट, सो दे डू नॉट नीड टू स्विम कॉन्स्टेंटली, ये डूबेंगे नहीं, है ना, डू नॉट स्विम कॉन्स्टेंटली, क्योंकि अगर ये डूबना मतलब तैरना छोड़ भी देंगे तो भी ये डूबेंगे नहीं, इनके पास एयर ब्लैडर है, ये ऊपर ही रहेंगे, बायंसी मेंटेन हो जाएगी,
एक और डिफरेंस, दो चैंबर का हार्ट है ये कॉमन बात है, कोल्ड ब्लडेड यानी पॉइकिलोथर्मिक होंगे दो चैंबर तीन चैंबर के ऑर्गेनिजम्स, ये भी सही बात है। सेक्स इज सेपरेट, मछला मछली, ये भी ठीक बात है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होती है क्योंकि बोनी एंडोस्केलेटन है इनके अंदर, है ना। ओविपेरस जो है ये आपका मोस्टली होते हैं, यानी वहां पे क्या था, वहां पे आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन और डायरेक्टली बच्चे जो है जन्म दिए जा रहे थे, वीवीपेरस कंडीशन थी। देखो यहां पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन और ज्यादातर वीवीपेरस थे, यहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और ओविपेरस है, डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वा वगैरह यहां पर नहीं। तो डिफरेंसेस देखो कितने सारे हुए। पहला डिफरेंस देखो, एक सेकेंड, पहला डिफरेंस देखो यार, ये मैराइन और फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, कॉन्ड्रिक्टीज सिर्फ मैराइन वाटर में पाए जा रहे थे ज्यादातर, इनमें बोनी एंडोस्केलेटन है, कॉन्ड्रिक्टीज में कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन, स्ट्रीमलाइन बॉडी दोनों में पाई जाएगी, माउथ यहां टर्मिनल है वहां पर वेंट्रल था, चार पेयर ऑफ गिल स्लिट्स यहां पर है, गिल कवर्ड बाय ओपरकुलम है, वहां पर ओपरकुलम एब्सेंट था, यहां पर साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल है, वहां प्लैकोइड स्केल थे, यहां एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, वहां पर एयर ब्लैडर एब्सेंट था, और यहां पे आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और ओविपेरस कंडीशन है, वहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन और वीवीपेरस कंडीशन थी। ये आपके क्या हो जाएंगे, डिफरेंस हो जाएंगे। अगर आप डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में इनको लिखते हो, कॉन्ट्रिक्टीज और ऑस्टिक्टीज, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। एग्जांपल देखो, अब वहां पे सारे के सारे मैराइन थे, एक साथ एग्जांपल दे दिया, यहां पे आपके मैराइन का, फ्रेश वाटर का, और आप घर पे जो पाल सकते हो कांच के एक्वेरियम में, कॉलेज स्कूल्स में आपने देखे होंगे, वो फिशेज अलग है। जैसे मैराइन में आपकी एक्सोसीटस है विच इज फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस है जो आपके एनसीईआरटी के कवर पे छपा हुआ है, दैट इज सी हॉर्स, है ना, यहां पे शायद, यस दिस ए इज द सी हॉर्स, दिस ए इज द सी हॉर्स, इसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, ये बी इज द काटला, राइट। तो फ्रेश वाटर में देखोगे आपका लेबियो है, जिसे कहा जाता है लेबियो रोहिता, तो रोहिता से रोहू वर्ड भी लिया गया है, इट्स कॉल्ड रोहू, काटला काटला, क्लेरियास जिसे मेगूर भी कहा जाता है, एक्वेरियम फिश दैट इज बेटा फिश, बेटा बहुत फाइट करता है तो इसका नाम फाइटिंग फिश है, एंड टेरोफिलम दैट इज एंजल फिश, राइट। ये सारे इसके एग्जांपल हैं, ट्रिक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी, है ना। ये ऑस्टिक्थीज है, मेन चीज है इनके कैरेक्टर्स जो कि हमने देख लिए कि ये कॉन्ड्रिक्थीज से किस हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्लास इज एम्फीबिया। एम्फी का मतलब ही होता है ड्यूअल, ड्यूअल मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स है लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं और ये आपका वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब दे कैन बी एक्वेटिक, दे कैन बी टेरेस्ट्रियल, ऐसा होता है। मोस्टली इनमें दो पेयर ऑफ लिम्स पाए जाएंगे, क्योंकि ये किस क्लास में पाए जा रहे हैं, किस सुपर क्लास में पाए जा रहे हैं, टेट्रापोडा, यानी चार पॉड्स है तो दो पेयर हो गए, या चार जूते मतलब दो जोड़ी जूते, सिंपल सी बात है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे, एक जोड़ी हाथ है एक जोड़ी पैर है मेरे, टोटल तो चार लिम्स हो गए ना, दो हाथ दो पैर, कैसे भी गिन लो, कान कहीं से भी पकड़ लो, तो टेट्रापोडा मतलब दो पेयर ऑफ लिम्स होंगे। बॉडी जो है इसमें यूजुअली हेड होता है और बड़ा सा ट्रंक होता है, टेल प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे आप एक फ्रॉग का एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं यहां पर एक फ्रॉग बनाऊंगा, अब मुझे पता नहीं है मेरे भाई ये फ्रॉग जैसा बनेगा नहीं बनेगा, पर थोड़ा सा एक आइडिया लगा लेते हैं कि फ्रॉग जैसा बन गया, बना तो एक कछुआ है बट ठीक है, चलो कर लेते हैं, थोड़ा हाइंडलिंग थोड़े बड़े बना देते हैं, ये समझ लो फ्रॉग का बच्चा है। तो ये जो रीजन है ये क्या है आपका हेड रीजन, है ना, और ये मेन जो है क्या है आपका ट्रंक रीजन, ये आपका हेड रीजन है, ये आपका ट्रंक रीजन। टेल प्रेजेंट हो वेल एंड गुड, जैसे आप यहां पर देखोगे सेलेमेंडर में प्रेजेंट है ना, यहां पे देखो ना यार, सेलेमेंडर में टेल प्रेजेंट है, फ्रॉग में नहीं है, टेल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, पर ये हेड रीजन है, ये आपका ट्रंक रीजन है, ये आपका रहेगा, जैसे यहां तक ये हेड रीजन है, ये आपका ट्रंक रीजन है, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। स्किन आपकी गिलगिली सी रहती है, जैसे आपने कभी अगर मेंढक को देखा हो, उसकी स्किन जो है गीली रहती है, मॉइस्ट रहती है, इस पे स्केल्स नहीं प्रेजेंट रहते, इस पे रफ स्केल्स नहीं पाए जाते। आईज जो है इनके ऊपर आईलिड पाई जाती है, और ईयर जैसे हम देख सकते हैं, दिस इज ईयर पिन्ना, ऐसा कोई पिन्ना नहीं होता, टिम्फेनम जो है यही ईयर को रिप्रेजेंट करता है, एम्फीबियंस में भी, रेप्टाइल्स में भी, है ना, टिम्पेनम ही एयर को रिप्रेजेंट करता है। पिन्ना कहां पे आता है आपका मैमल्स के अंदर। क्लोएका जो है इनके अंदर पाया जाता है एम्फीबियंस के अंदर, विच इज अ कॉमन ओपनिंग। किस किस चीज के लिए कॉमन ओपनिंग, अगर आप बात करो एक्सक्रीटरी या यूरिनरी के लिए, अगर आप बात करो एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहां ओपन होगा,
और अगर आप बात करो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कहाँ ओपन होगा यानी गैमेट्स कहाँ से रिलीज होंगे, तो एक कॉमन ओपनिंग यहां पर होती है जिसको क्या कहा जाता है, क्लोएका कहा जाता है। रेस्पिरेशन कैसे होती है इन ऑर्गेनिजम्स में, अगर ये पानी में रह रहे हैं क्योंकि ड्यूअल है एम्फीबियन है, पानी में रह रहे हैं तो गिल्स के थ्रू होगी, जमीन पर रह रहे हैं तो लंग्स के थ्रू होगी, और स्किन से तब होगी जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है जब इनकी स्किन मॉइस्ट है, जैसे कि आपका फ्रॉग वगैरह के अंदर गीली सी स्किन है तो यूजुअली स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं। हार्ट इनमें तीन चैंबर का होता है, फिशेज में आपका दो चैंबर का था, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में तीन तीन चैंबर का होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जो आप रेप्टाइल में पढ़ेंगे उसमें चार चैंबर का होता है। तीन चैंबर का हार्ट है तो बाय डिफॉल्ट आपके कोल्ड ब्लडेड हो गए यानी पॉइकिलोथर्मिक हो गए, सेक्सेस सेपरेट हो गए, है ना। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ये यूजुअली अगर जब पानी में रहते हैं तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, अंडे दे सकते हैं जैसे फ्रॉग जो है काफी सारे एग्स रिलीज करता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इनमें, मेटामॉर्फोसिस होती है जो कि कॉमनली फ्रॉग वगैरह में भी देखने को मिल जाते हैं। ऑलराइट, अब देखो एग्जांपल बफो टोड जो कि फ्रॉग से भी बड़ा होता है, राणा टिगरीना, राणा जी है हमारे फ्रॉग भाई साहब, हाइला दैट इज ट्री फ्रॉग यानी अलग अलग टाइप के फ्रॉग है, सेलेमेंड्रा दैट इज सेलेमेंडर जो कि ए में बना हुआ है, इक्थियोफिस जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है इट इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन क्योंकि हमें बताया गया है कि भाई हम टेट्रापोड के मेंबर हैं यानी चार पैर हैं हमारे पास या दो हाथ दो पैर हैं, व्हाटएवर द केसेस, इक्थियोफिस इज एन एम्फीबियन जिसमें हाथ पैर नहीं है, ये आपका नॉर्मली सांप की तरह रेंग रेंग के ही चलता है। रेंगने रेंगने से याद आया रेप्टिलिया आ चुका है, रेप्टिलिया मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्रीप क्रॉल करते हैं, इनका नाम रेप्टाइल इसीलिए रखा गया, दे आर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग, ये रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल यानी ये जमीन पर पाए जाते हैं, एम्फीबियंस पानी और जमीन दोनों पे थे, रेप्टाइल्स यूजुअली जमीन पे पाए जा सकते हैं, पानी में ऑब्वियसली जा सकते हैं ये, लेकिन मेन अड्डा इनका जमीन। इनकी बॉडी पे ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन है और एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट्स प्रेजेंट है, यानी जब आप सांप की बॉडी को देखोगे तो आपको अलग से एक पैटर्न दिखाई दे जाएगा उसकी बॉडी पे, ड्राई उसकी बॉडी होगी, गिलगिली नहीं होगी, अदरवाइज उसकी बॉडी पे आपको कभी घास वास चिपकी हुई दिखाई देती जब वो रेंग रहा होता तो, लेकिन उसकी बॉडी इतनी ड्राई होती है कि वो एकदम क्लीन दिखाई देता, उसका पैटर्न उसका कलर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आपने कभी लाइव सांप देखा है तो, इतनी ड्राई स्किन इतनी क्लीन स्किन इतनी शाइनी स्किन वहां पर होती है स्केल्स की वजह से। यहां पर भी ईयर पिन्ना तो है नहीं, तो आपका जो है टिम्फेनम रिप्रेजेंट्स करता है ईयर को, टिम्फेनम रिप्रेजेंट्स ईयर। लिम्ब अगर पाई जा रही है तो दो पेयर होंगी क्योंकि टेट्रापोड है हम लोग और रेप्टाइल्स भी, अगर नहीं है तो नहीं है, जैसे इक्थियोफिस में नहीं था ऐसे यहां पे सांप में नहीं है कोई लिम्ब तो ठीक है। हार्ट आपका वही तीन चैंबर का होगा, चार चैंबर का होता है क्रोकोडाइल में विच इज एन एक्सेप्शन, सवाल यहां से पूछा जाता है कि क्रोकोडाइल में कितने चैंबर का हार्ट। अब तीन चैंबर का हार्ट है ज्यादातर लोगों में तो ये पॉइकिलोथर्मिक यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे, ये अपनी स्किन कास्ट कर सकते हैं, जैसे अगर आप किसी लिजार्ड को देखें या आप अगर किसी स्नेक को देखें तो अपनी स्किन का कवर छोड़ करके भाग जाता है अंदर से निकल के और नया कवर उसकी बॉडी पे आ जाता है, इसे स्किन कास्टिंग बोलते हैं। सेक्सेस सेपरेट है जैसे नाग नागिन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, सांप के अंडे के बारे में आपने सुना होगा ओविपेरस होते हैं ये, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है कोई लार्वा नहीं है, अंडा हैच करके डायरेक्टली छोटा सा पोला ही बाहर निकलेगा, ठीक है। एग्जांपल देखो यहां पर किलोनी दैट इज टर्टल जो आपका सी पे बना हुआ है डायग्राम के अंदर, टेस्ट्यूडो दैट इज टॉर्टोइस, कैमिलियन जो कि आपका ट्री लिजार्ड है जो कि आपका ए पे बना हुआ है डायग्राम के अंदर, किलोटिस दैट इज गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस दैट इज क्रोकोडाइल मगरमच्छ जो कि बी पे बना हुआ है, एलिगेटर जिसे एलिगेटर ही बोला जाता है, हेमिडेक्टाइलस दैट इज वॉल लिजार्ड जो घरों में पाई जाती है, पॉइजनस स्नेक की अगर आप बात करें तो नाजा नाजा जिसे कोबरा बोला जाता है जो कि डी पे बना हुआ है, बंगारस दैट इज क्रेट एंड वाइपेरा दैट इज वाइपर स्नेक ये आपके जहरीले सांप होते हैं इनके काटने पर मृत्यु हो जाती है। ऑलराइट, आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्स, एप्स का मतलब होता है बर्ड्स और यहां पर हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है एक दो पॉइंट्स को छोड़ के क्योंकि बर्ड्स हम देख चुके हैं, बर्ड्स के बारे में हमें काफी कुछ पता है, जैसे क्या बर्ड्स में फेदर प्रेजेंट होते हैं बोलने की बात है, ज्यादातर बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं एक्सेप्ट अ फ्यू जो बहुत भारी है जैसे कि ऑस्ट्रिच, तो क्या यह बोलने की बात है, नहीं। बीक प्रेजेंट है इनके अंदर, चोंच प्रेजेंट है, क्या यह बोलने की बात है, नहीं।
तो अभी तक तो कुछ याद किया नहीं। लिम्स इनमें भी आपकी क्या होंगी, चार होंगी क्योंकि टेट्रापोडा है, तो इनमें दो तो होंगी फोर लिम्स, जैसे हमारे अंदर दो हाथ हैं, लेकिन इनके फोर लिम्स किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, इनटू विंग्स, क्योंकि हम भी जब कभी उड़ने की एक्टिंग करते हैं ऐसे ऐसे तो हाथ से उड़ के दिखाते हैं ना, अगर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं किसी चिड़िया को तो हाथ जो है वो विंग्स में कन्वर्ट होंगे और हाइंड लिम्स जो है ये आपके किन में कन्वर्ट होंगे, लेग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। यूजुअली ये जो पंजा है इस हिसाब का चिड़िया का पंजा रहता है, इस पे क्या बने रहते हैं आपके स्केल्स भी बने रहते हैं, पैटर्न्स भी बने रहते हैं, ये जो है आपके अलग अलग कामों में इस्तेमाल होते हैं। कोई चिड़िया चल रही है तो चलने के काम आएंगे, कोई तैर रही है तो तैरने के काम आएंगे, कोई डाली पकड़ के बैठी है तो पर्चिंग के काम आएंगे, है ना। हाइंड लिम्स आपके लेग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि इस तरीके के दिखाई देंगे, जिनमें स्केल्स पाए जाते हैं। स्किन जो है ड्राई है, गीले नहीं होते, ये सूखे सूखे रहते हैं। विदाउट ग्लैंड, इन पे ग्लैंड नहीं पाए जाते, एक्सेप्ट एक ग्लैंड पाया जाता है, ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, एट द बेस ऑफ टेल, पूंछ के नीचे एक ग्लैंड पाया जाएगा जिसको ऑयल ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। इनका एंडोस्केलेटन जो है वो भी बोनी है, यानी हड्डियों का बना रहेगा, लेकिन इनकी हड्डियां कैसी रहती है, न्यूमेटिक रहती है, यानी हॉलो बोन रहती है। इनकी हड्डियां जो है इनमें बीच में कैविटी रहती है, क्यों, क्योंकि कैविटी रहेगा तो वेट कम रहेगा। मेरे भाई अगर आप एक बहुत मोटी हड्डी के साथ उड़ रहे हो तो आपका वजन ज्यादा रहेगा, आपको बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी उड़ने के लिए, वजन कम है तो उड़ते रहो, है ना। क्रॉप एंड गिजार्ड नाम के ऑर्गन्स आपके पाए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में एसोसिएटेड, एडिशनल चैम्बर ये पाए जाते हैं, क्यों, जिससे डाइजेशन फास्ट हो। डाइजेशन फास्ट क्यों चाहिए भाई, जो खाया है उसको जल्दी जल्दी पचा के लोगों के ऊपर पॉटी भी तो करनी है, इसलिए तो चिड़िया देखो बहुत फ्रीक्वेंटली पॉटी करती रहती है, क्यों, क्योंकि उनकी डाइजेशन जल्दी हो रही है, क्योंकि पेट में अनाज लेके घूमते रहेंगे तो कितना ही उड़ पाएंगे, तुम भी ज्यादा खा लेते हो जिस दिन सो ही जाते हो ना, बाय डिफॉल्ट इंसान की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, ज्यादा खा लिया मतलब निद्रा आ गई, इसलिए तो कहा जाता है कि अगर आपको पढ़ना है रात को बहुत लंबे टाइम तक, मेक श्योर नॉट टू ईट एनीथिंग, ड्रिंक एम्पल वाटर, ईट फ्रूट्स, हाइड्रेट योर सेल्फ, बट डोंट गो फॉर रॉ अनाज, है ना। इट्स नॉट यू नो फ्रीक्वेंटली टोल्ड कि भाई आप चावल खाओ रात को, है ना, या गेहूं की पांच रोटी खाओ फिर पढ़ाई करो, मुझे नहीं लगता किसी ने आपको ये सलाह दी होगी, है ना। अच्छी नींद चाहिए तो खा के सो सकते हो, तो डाइजेशन फास्ट होती है, क्रॉप एंड गिजार्ड काम आते हैं जिससे जल्दी ये हल्के हो सके। चार चैम्बर का इनका हार्ट है तो ये होमियोथर्मिक हो गए, पॉइकिलोथर्मिक ना होकर आपके होमियोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले। मैमल्स और बर्ड्स होमियोथर्मिक होते हैं, यानी वार्म ब्लडेड होते हैं, अपने टेम्परेचर को, ऑस्मोटिक कंडीशन को ये रेगुलेट कर सकते हैं। एयर सैक यहां पर प्रेजेंट है लंग्स से कनेक्टेड, क्योंकि लंग्स जो है उनका काम क्या है, अपने अंदर ज्यादा सांस भरना, अगर लंग्स में ज्यादा सांस आएगी, ज्यादा एयर आएगी, ज्यादा ऑक्सीजन आएगी तो जल्दी फूड ऑक्सीडाइज होगा और जल्दी जल्दी एनर्जी देगा। ऑक्सीजन का पर्पस क्या है बॉडी में, आपने जो खाना खाया है उसको ऑक्सीडाइज करना और एनर्जी निकालना। अब यहां पर एयर सैक आ चुके हैं, यानी आप ज्यादा एयर ले पाओगे, है ना, ज्यादा एयर ले पाओगे, ज्यादा एयर ले पाओगे तो ज्यादा ऑक्सीजन ले पाओगे, ज्यादा ऑक्सीजन लोगे तो ज्यादा ऑक्सीडाइज कर पाओगे फूड को, ज्यादा ऑक्सीडाइज कर पाओगे ज्यादा एनर्जी निकाल पाओगे, ज्यादा एनर्जी निकल पाओगे ज्यादा उड़ पाओगे। बहुत सिंपल सी बात है, सारी चीजें कनेक्टेड है, हर चीज का एक लॉजिकल रीजन है। सेक्स इज सेपरेट, जैसे मोर मोरनी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है इनके अंदर, अंडे ये देते हैं, चिड़िया के अंडे तो सबसे कॉमन है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, अंडे को तोड़ के मसीहा बाहर निकलता है, लार्वा यहां नहीं बनता। मुझे नहीं लगता मुझे चिड़ियों के भी एग्जांपल तुम्हें देने पड़ेंगे। कॉर्वस दैट इज कौवा, कौवा काले कावा, कोलंबा दैट इज पिजन, है ना, सिटाकुला दैट इज पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पावो पिकॉक विच इज आवर नेशनल बर्ड, एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन, इसमें लोगों को कंफ्यूजन रहती है, पेंगुइन दिखता मैमल जैसा है लेकिन वो बर्ड है, न्यूफ्रॉन दैट इज वल्चर जो कि ए में दिखाया गया है, बी में आपको ऑस्ट्रिच दिखाई गई है, सी में आपको तोता महाराज दिखाया गया है, डी में आपको पिकॉक दिखाया गया। अब आते हैं हम, हमारे बारे में मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना, सारी चीजें एविडेंट है, अपनी बॉडी पे चेक करेंगे। फाउंड इन यूनिक हैबिटेट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अडेप्टिव रहते हैं। मैमल देखो मेरे भाई, अगर आपका बैट है तो वो उड़ सक रहा है, अगर वो ब्लू वेल है विच इज द लार्जेस्ट मैमल तो वो तैर रही है,
आप हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, तो अडेप्टिव तो हम हैं, बात खत्म। मेमोरी ग्लैंड्स के नाम पे ही तो हमारा नाम मैमल रखा गया। हमारे अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है मेल्स के अंदर वो नॉन फंक्शनल है, फीमेल के अंदर फंक्शनल होते हैं, यानी मेमोरी ग्लैंड हमें है, ये बात हमें एविडेंटली पता है। अपने आप को देखोगे तुम्हें पता लग जाए। टू पेयर ऑफ लिम्स, दो हाथ देख लो, दो पैर देख लो, हमें पता है। एक्सटर्नल हेयर प्रेजेंट है, हाथ पे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, सर पे दिखाई दे रहे हैं, दाढ़ी मूछ दिखाई दे रही है, हम मैमल हैं। पिन्ना प्रेजेंट, दिखाई दे रहा है, पकड़ भी सक रहा हूं। ओके, थीकोडंट मतलब टीथ, एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, है ना, टीथ जो है जॉ बोन में अड़े हुए हैं, थीकोडॉन्ट डेंटिशन इसे कहा जाता है, दिखाई दे रही है, जबड़े हैं, गम्स हैं, ठीक है। चार चैम्बर्ड हार्ट, देख नहीं सकते पर पता है, दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल हैं। वार्म ब्लडेड ऑब्वियसली है, अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, सर्दी हो तो ऐसा नहीं है कि हमारा टेम्परेचर 5 डिग्री हो गया, बॉडी का तब भी 37 डिग्री सेल्सियस है। गर्मी थी अभी कुछ महीने पहले, अभी भी चल रही है ठीक ठाक, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है बाहर, 48 है 45 है, तब भी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन है, होम्योथर्मिक है। लंग्स प्रेजेंट है, सांस ले पा रहे हो, बधाई हो, लंग्स प्रेजेंट है। सेक्स इज सेपरेट, लड़का लड़की, डन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फीमेल के अंदर जो है आपका फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, इंटरनल है, बात पता है। वीवीपेरस, डायरेक्टली बच्चों को जन्म दिया जाता है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है जिसपे क्वेश्चन बनता है, ऑर्निथोरिंकस, जिसे डक बिल्ड प्लेटिपस भी कहा जाता है, ये आपका ओवीपेरस है। इसका डायग्राम भी आपको दिखाऊं, डायरेक्ट डेवलपमेंट, सीधा माता जी से बच्चा डिलीवर किया जाता है, जैसे यहां पर ये आपका ऑर्निथोरिंकस है विच इज डक बिल्ड प्लेटिपस, ये आपका क्या है ओवीपेरस, ये अंडे देता है, बाकी सारे मैमल्स आपके डायरेक्टली बच्चे पैदा करते हैं। ये आपका मैक्रोपस है जिसे कंगारू कहा जाता है, विच इज अ पाउच मैमल, अपने पाउच में बच्चा लेके घूमता है, इनबिल्ट भगवान ने पर्स दिया है इसे। सी दैट इज आपका टेरोपस जिसे कहा जाता है बैट, उड़ता फिरू, और डी दैट इज बेलेनोप्टेरा जिसे कहा जाता है ब्लू व्हेल, जो कि आपका सबसे बड़ा मैमल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दे आर टेकन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पेपर्स ओनली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के लिए कौन सी बातें सत्य है। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, किसकी बात हो रही है, यूरोकॉर्डेटा की बात नहीं हो रही, सिफेलोकॉर्डेटा की बात हो रही है, उसमें हेड टू टेल होता है, ये बात गलत, हमें ट्रू बताना है, ठीक है। तो ए तो गलत है, ए जिसमें भी है उसे काट दो, चलो बात ही खत्म, दो ऑप्शन में अब लड़ाई है। इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, विच इज यू नो लेटर कन्वर्टेड इन टू अ वर्टिब्रल कॉलम, तो इट्स करेक्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड होलो, कॉर्डेटा के बारे में बात करें, डॉर्सल होलो सिंगल, ठीक है, यह भी बात ठीक है। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइलम, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा दैट इज जीरो कॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और इसके अलावा हेमिकॉर्डेटा नहीं, वर्टिब्रेटा आएगा, तो ये बात गलत है। तो ए गलत है, डी गलत है, डी किसमें है वो काट दो, डी इसमें है ये काट दो, दोनों सही बातें कौन सी मिली, बी और सी जो हमने मार्क करी थी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड, कहां सुने थे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, किसको जल्दी जल्दी खा के पॉटी करनी है, किसी के ऊपर, एव्स को यानी बर्ड्स को, एव्स इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, इनमें से कौन सा मेटामॉर्फोसिस नहीं शो करता, अर्थवॉर्म मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करता, है ना, डायरेक्ट डेवलपमेंट है इसके अंदर। ट्यूनिकेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मोथ दैट इज इंसेक्ट आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकती है इसमें, स्टार फिश जो है इसमें भी, अर्थवॉर्म इज द करेक्ट आंसर इनमें से, ठीक है। विच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट अ होमियोथर्म, यानी इनमें से कौन सा वार्म ब्लडेड नहीं है, यानी इनमें से कौन सा कोल्ड ब्लडेड है, क्वेश्चन सिंपल रखते हैं। मैक्रोपस आपका होमियोथर्मिक है, मैमल है होमियोथर्मिक होगा, कैमिलस यानी आपका ऊंट होमियोथर्मिक है, सिटाकुला दैट इज योर बर्ड इज होम्योथर्मिक, किलोनी ये नहीं, ये आपका रेप्टाइल है, ये आपका होम्योथर्मिक नहीं होगा, सिंपल सी बात, मैंने ऑप्शन ही क्यों काट दिया जो जो उसमें आके, ये आपका होम्योथर्मिक नहीं है, ये आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विद कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में क्या चीज कॉमन है, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड हमारे अंदर नहीं है, कॉर्डेट्स के अंदर नहीं है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, बात खत्म।
डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है ना हमारे अंदर, बात खत्म। फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स हमारे अंदर भी है, हेमिकॉर्डेट्स के अंदर भी है। विदाउट गिल स्लिट्स तो कॉर्डेट हुआ ही नहीं, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड तो कॉर्डेट हुआ ही नहीं। आप सीधा ये देख लो कि कॉर्डेट में क्या चीज है, क्या वेंट्रल नर्व कॉर्ड है कॉर्डेट में? नहीं। क्या फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स पाए जा सकते हैं? नहीं। क्या नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो सकती है? नहीं, एक ही है कॉर्डेट का कैरेक्टर, तो वही कॉमन कैरेक्टर भी होगा बाय डिफॉल्ट। तो आंसर आप आसानी से स्मार्टनेस से निकाल सकते थे। विच अमंग दीज इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स, एक्वेटिक बताना है पानी वाले और मैमल्स बताना है। डॉल्फिन, सील्स, ट्राइगोन, ट्राइगोन मछली है, ट्राइगोन मछली है, काट दो। वेल, डॉल्फिन, सील, ठीक है, ट्राइगोन मछली है, काट दो। सील, डॉल्फिन, शार्क, शार्क मछली है, काट दो, ठीक है। वेल, डॉल्फिन, सील आर मैमल्स एंड एक्वेटिक एट द सेम टाइम, है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स, हॉर्स का ऑर्डर कौन सा? ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के ऐड किया है ना। पेरिसोडैक्टाइला इसका ऑर्डर है, ये आपको डायरेक्ट याद करना है, ये आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा, डायरेक्टली याद कर लो। ये इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स से कई बार क्वेश्चन आता है, तो इवोल्यूशन में मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा एनसीईआरटी वीडियो बना के। तो पेरिसोडैक्टाइला इज द आंसर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल मैमल्स आर विविपेरस, ये ऑल वर्ड बहुत खतरनाक होता है। ऑल मैमल्स आर विविपेरस नहीं, ऑर्निथोरिंकस आपका ओविपेरस। All cyclostomes do not possess jaws. Cyclostome है तो agnatha का member है, jaws नहीं होती, सही बात है। And paired fins, ये fishy नहीं है, तो paired fin कहाँ से होंगी? ये बात आपकी correct है। इसमें all का मतलब सही हुआ, NCERT में भी all mentioned है। All reptiles have three-chambered heart. Crocodile भाई साहब में three-chambered heart नहीं है, चार चैम्बर का है। All pisces have gill covered with operculum. मेरे भाई आपके cartilaginous जो fishes थे उनमें नहीं था operculum, bony में था, तो ये बात भी गलत है। सी आप, ये आपका क्या है, बी आपका आंसर हो जाएगा। Which one of the following characteristic is not shared by bird and mammal? यानी बाकी सारे bird और mammal में common है, क्या इनमें common नहीं है? Viviparity, viviparity common नहीं है। Birds oviparous है, वो अंडे देते हैं, हम viviparous है, तो पहले आंसर मिल गया। Warm blooded nature, दोनों में चार chamber का heart है, warm blooded होते हैं, ये आपका character common है। Ossified endoskeleton, यानी bony endoskeleton है, हमारे अंदर भी 206 हड्डियां है, bird के अंदर भी हड्डियां है, pneumatic है, hollow है, लेकिन है तो bone ही, ठीक है। Breathing using lungs, अब लंग्स में वहां पर एक्सेसरी चैम्बर्स हैं, हमारे अंदर नहीं है, बट दोनों के अंदर लंग्स तो प्रेजेंट है ही है, क्योंकि दोनों के दोनों यूजुअली टेरेस्ट्रियल है। तो विविपेरिटी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बर्ड्स आर मोस्टली ओविपेरस इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर करेस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, कौन सा एकदम परम सत्य है? पॉजेस अ माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ कॉर्डेटा, ठीक है। थ्री चैम्बर हार्ट विद एन इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल, ठीक है। कार्टिलेजस, एंडोस्केल्टन, कॉन्ट्रैक्टिस, ठीक है। विविपेरस, मैमिलिया, सबका कोई ना कोई आपको एक्सेप्शन मिल सकता है। अपर एंड लोअर जो क्या हर कॉर्डेट के अंदर है? कॉर्डेटा के अंदर आपको मैं अगर साइक्लोस्टोम गिना दूं, जिसमें जो है ही नहीं एग्नेथा, बात खत्म, गलत हो गया। थ्री चैम्बर हार्ट रेप्टिलिया, एक्सेप्शन हो गया क्रोकोडाइल। विविपेरस मैमिलिया, एक्सेप्शन हो गया ऑर्निथोरिंकस। हाँ, कार्टिलेजिनस फिशेज में कार्टिलेज का एंडोस्केल्टन होगा, वो तो नाम ही खुद कह रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। टेलीग्राम पर आपको आज पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, तीनों लेक्चर्स के, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, जाकर के एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिंड कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पर 500 फॉलोअर बचे हुए हैं, 10,000 करा दो एटलीस्ट। मैं बहुत एक्टिव नहीं रहता, गलती मेरी है, वो बात मैं मानता हूं, लेकिन करवा दो यार, है ना, टीचर्स डे का गिफ्ट दे दो मेरे को इतना सा। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के अंदर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ करेंगे यार जल्दी जल्दी कंप्लीट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। कोशिश करेंगे दिन की दो वीडियोस बनाए, अभी थोड़ा सा टाइम हल्का सा मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक सरप्राइज मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं, बताऊंगा नहीं, हर बार बताता हूं गड़बड़ हो जाती है। प्लानिंग अ वेरी ह्यूज सरप्राइज फॉर यू गाइस, जैसे प्लान होगा, जैसे लॉन्च करेंगे, सीधा लॉन्च पे ही बताएंगे, और बस ठीक है, चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे घर वापस आकर के, दफ्तर निकलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।